भंडारा जिले के खैरी पुनर्वसन ग्राम का एक मामला सामने आया, जो कि मामला जमीन का है, जो जमीन पर खैरी ग्रामीण के कुछ नागरिकों ने अतिक्रमण कर झंडा गाड़ दिया था, जो कि अतिक्रमण निकालते हुए खैरी ग्राम पंचायत ने इसकी शिकायत पटवारी को दी गई थी, जिसका जायजा पटवारी ने मौका चौकशी कर अहवाल प्राप्त कर भंडारा तहसीलदार अक्षय पोयम के समक्ष दिया। इस अहवाल को मद्देनजर रखते हुए तहसीलदार अक्षय पोयम ने कार्यवाही के निर्देश दिए। निर्देश प्राप्त होते ही डीएसपी रीना जनबंधु और जवाहर नगर थाना प्रभारी सुभाष बारसे, पीएसआई राउत और समस्त पुलिस की टीम सहित तहसील कार्यालय की ओर से नायब तहसीलदार रेवनी अधिकारी और पटवारी और जिला प्रशासन और खैरी पुनर्वसन ग्राम के नागरिकों के समक्ष अतिक्रमण हटाया गया। इस अतिक्रमण को लेकर खैरी ग्राम के सरपंच, पुलिस, पाटिल और सभी सदस्यों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि खेदजनक घटना हुई है। जिन्होंने जमीन पर अतिक्रमण किया था उनको कायदे से जमीन मांगना चाहिए थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हमारी ग्राम पंचायत उन लोगों को दूसरी जमीन उपलब्ध करने में सहायता करेंगे। सुनिए उन्हीं की जुबानी। तहसीलदार साहब ने पुलिस स्टेशन में हम चार पदाधिकारी और अतिक्रमणकर्ता जो है उनको बुलाया। वहाँ पर हमारी मीटिंग हुई, वहाँ पर समझा कर बताया गया कि आपने जो अतिक्रमण किया है, जहाँ पर पंचशील झंडा लगाया हुआ है, वो हम हक से भी मांग कर सकते हैं उस जगह की, लेकिन वो लोग नहीं माने। फिर उन लोगों ने क्या किया? यानी वो अतिक्रमण खाली करने में उनकी कोई रजामंदी नहीं थी क्या? हाँ, वो अतिक्रमण खाली करने में उनकी कोई रजामंदी नहीं थी। तो फिर आपके ग्राम पंचायत द्वारा और अधिकारियों द्वारा वो हटाया गया? हाँ, हम सब थे वहाँ पर हाजिर, और नायब तहसीलदार थे और मैडम थे, कौन से थे? कौन से मैडम? जनबंधु मैडम, डीवाईएसपी। हाँ। आप लोगों को गाली गलौज भी किए क्या? हाँ। किन्होंने? सिर्फ लेडीज लोगों ने, यानी जिन लोगों ने वहाँ पर जो अतिक्रमण किया, अतिक्रमण किए थे, अब उनके ओर से आपको गालियां वाले भी दी गई? जी हाँ, लेकिन हमने उन इसको रिजिस्टर मांगेंगे कायदे से। हाँ, कायदे से मांगेंगे। और जबकि अपने गांव में है तो इतना ऐसी समाज है, तो हम बीआर अवश्य बनवाएंगे। अतिक्रमण लोकांनी केला होता, घरासाठी केल्यानंतर त्यांना रितसर मागणी जर केली असती तर आपल्या ग्रामपंचायतचं म्हणणं होतं की आम्ही देऊ शकलो असतो बा, पण त्यांनी जे प्रोसिजर केली ते प्रोसिजरनुसार केलं असतं तर मिळाली असती, पण त्यांनी रात्रीच्या रात्री मांडलं, झेंडा उभारला, त्याला त्यांचा विरोध होता, जागा द्यायला विरोध नव्हता, जागा ते देणार आहेत, त्यांनी मागणी करावी रितसर, त्याच्यासाठी मग त्यांना तिथे मीटिंग झाली आमची पोलीस स्टेशनला। पोलीस स्टेशनला मीटिंग झाल्यानंतर तहसीलदार साहेब होते, मॅडम होत्या जनबंधू, आणि आमचे इन्स्पेक्टर साहेब होते, यांच्या सहवासामध्ये ते मीटिंग झाली। मीटिंग झाल्यानंतर आणि अतिक्रमण करणारे जे लोक होते ते पण आले होते, आम्ही पंच लोक होतो तिथे। त्याच्यानंतर त्यांनी आम्हाला दिवस दिलं की आम्ही या तारखेला येऊ बा, आणि अतिक्रमण जो आहे जर या लोकांनी नाही हटवलं तर आम्ही हटवू, काढून घेऊ बा। तर तो आज काढण्यात आला? काढण्यात आला। चलो ठीक आहे। आपण कोण आहात? मी पोलीस पाटील आहे, खैरी पुण्यापासून। पूर्ण शुभनाव? शालू विजय चवड़े, पुलिस पाटिल। था कि हमारा जो पुनर्वसन गांव है, कौन सा पुनर्वसन? खैरी पुनर्वसन, अशोक नगर पे हुआ है हमारा पुनर्वसन, खैरी गांव। या जिनको अभी तक प्लाट मिलने के हैं, वंचित है प्लाट मिलने के लिए, और कुछ लोग ऐसे अतिक्रमण कर रहे हैं। सबसे बड़ी ये बात है कि जैसे जिनके जो हक के प्लाट है, जैसे जिनको उस प्लाट के एवज में मुबदला मिला है पैसे वगैरह, लेकिन उनको अभी तक प्लाट मिलने के हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके वाड़ियों कुटुंब है उनको भी नहीं मिले हैं, उनके लिए अतिरिक्त भूखंड ऐसे रखे हुए हैं। ऐसे विषय में अभी कुछ लोगों ने ऐसा एक साथ चार प्लाट पर अतिक्रमण कर दिया है, इसलिए हमें जैसे रात को उन्होंने अतिक्रमण किया और सवेरे जैसे मुझे पता चला उसकी खबर मैंने हमारी जो तलाटी मैडम है उनको दी। उन्होंने जगह पर आकर मौका चौकसी की और उनका जो हवाल है वो तहसीलदार साहब को भेजा उन्होंने। जो आज दिनांक 30/5 को हमने वो दो चार दिन पहले ग्राम पंचायत में अतिक्रमण के
विषय में जो विषय रखा था ग्राम पंचायत के प्रोसीडिंग में, मैं ग्राम पंचायत सदस्य सारंग घरगढ़, और वो सब्जेक्ट ऐसा था कि वो विषय में हमने हमारे ग्राम पंचायत में सभी सातों सदस्य के उपस्थिति में कि गांव में जो पुनर्वसन गांव है ये गोसे प्रकल्प में, और उसके इसमें हमने जो विषय रखा था कि हमारे ये नया गांव है यहाँ पे जो भी जहाँ पे भी शासकीय जगह पे जहाँ पे भी अतिक्रमण हो रहा है वो अतिक्रमण तत्काल निकालने को होना, ये ग्राम पंचायत के थ्रू हमने आर्डर दिए थे और ग्राम पंचायत सदस्य ने वो पूरे गांव में वो जो हमारा लेटर था वो चिपकाए थे और उसकी जो कार्रवाई थी वो प्रोग्रेस में मैंने फॉरवर्ड कर दिए थे और रिसर्च चालू थी, और उसी वजह से एकाधिक घटना हमारे गांव में ये दो दिन पहले शुक्रवार को 25/5 को ये कार्रवाई हो गई। और खेदजनक बात थी कि हमारे ग्राम पंचायत के पदाधिकारी के हाथों से वो अचानक दुर्घटना हो गई। हमको शर्मनाक बात हो गई कि हमको भी अच्छा नहीं लगा कि हमारा जो एक आधा गाँव का दूसरा आदमी रहता और उसने कुछ तो भी किया रहता तो ठीक है, लेकिन हमारे गांव के अधिकारी पदाधिकारी लोगों ने ये जो विषय हो गया वो उसका थोड़ा सा आज दिनांक 1/6 इसके माध्यम से आज पुलिस प्रशासन के मदद से जो अतिक्रमण हुआ था वो हमने ग्राम पंचायत सरपंच उप सरपंच और सभी ग्राम पंचायत सदस्य और बाकी के गांव के जो पदाधिकारी थे उनके हस्तक्षेप में उनके उपस्थिति में ये जो अतिक्रमण हमने निकाला था। और हमारी इच्छा भी है हम जो भी हमारे गांव के सरपंच उप सरपंच और सभी धर्म सभी समभाव के हम व्यक्ति विचार के लोग हैं सभी को न्याय मिलने को होना, लेकिन उन्होंने बताया था हमने भी कि प्रोसीजर अनुसार जो भी अपनी फॉर्मेलिटीज है उसके फॉर्मेलिटीज के हिसाब से हम तुमको तो देंगे और ऑलरेडी देने वाले छे हम, क्योंकि उनका भी जो भी धर्म है उनको भी हमारे बौद्ध भाइयों का भी हमारे गांव में तीर्थ स्थान जो भी है उनका होने को होना, और हम उनको भविष्य में उनको वहाँ पे हम जहाँ पे भी उनकी इच्छा होंगी एक कमेटी बना के उनको बोला हमने कमेटी बना के वहाँ पे हम रिसर सामने शासन तहसीलदार और जो भी रिसर फॉर्मेलिटीज है फॉर्मेलिटीज के हिसाब से हम उनको देंगे उनकी जो भी कि उनकी जो भी वो आज भावना दुखी होंगी जो भी आज ये जो भी प्रकरण हमारे गाँव में हुआ हमारा निंदनीय प्रकरण है हमको भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन हम ग्राम पंचायत सदस्य हमारे गांव में एनी अदर कहाँ पे भी जो भी अतिक्रमण होगा नेक्स्ट टाइम में हम उसके लिए भी यही एक्शन लेंगे सामने भी हम यही प्रोसीजर करेंगे। और मैं उनका यानी दुखद बात जो बाब हो गई उसके लिए मैं खेद अदा करता हूँ ग्राम पंचायत सदस्य के नाते, और हमारे सभी ग्राम पंचायत सदस्य भी वही खेद है कि जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ लेकिन उन्होंने भी प्रोसीजर के सामने नेक्स्ट टाइम में